सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं को आश्रय देने और उनकी देखभाल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने काना गो आश्रय स्थल नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। लेकिन जितना इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर है, वहीं अफसर उतने ही लापरवाह साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले में कसाया नगर में बना 1,58,00,000 की लागत से काना उपवन गौशाला में आवारा जानवरों की जगह यहां गाड़ियां खड़ी की जा रही है। वहीं इस मामले में नगरपालिका कसिया के अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार ने महत्वाकांक्षी योजना गौशाला को पूर्ण रूप से शुरू करने की बात कही है। वहीं कसिया काना उपवन के मामले में जांच करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने भी इतने बड़े गौशाला को बंद करने और वहां खड़ी गाड़ियों के सवाल पर खाली पड़े जगह के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया है। अधिकारी नगरपालिका परिषद कसिया के द्वारा सब कुछ निरीक्षण किया गया। जैसा कि बताया गया था कि वहां पर जिस समय वो निर्माण हुआ था उस समय वहां लो लाइंग एरिया था और वहां बरसात में पानी लग जाता था। शुरुआत में संरक्षण हुआ था, 35 गोवन संरक्षित थे। जब बृहद गो आश्रय स्थल खड्डा का निर्माण हुआ तो 35 गो आश्रय स्थल वाटर लॉगिंग होने की वजह से वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। पुनः जो है उसको मिट्टी भराई की गई है और उसका एक तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें संरक्षण कराए जाने की कोशिश की जा रही है। विलम्ब ही उसको संरक्षित करा दिया जा रहा है। 2018 में बनकर के कम्प्लीट हुआ। 2021 में 30 गौवंश रखे गए थे। लो लैंड होने के कारण उसमें पानी लग गया, जिसके कारण जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ओक जंगल खड्डा में उन गौवंशों को फिक्स किया गया है। लो लैंड होने के कारण अभी वहाँ में देखा गया है, अभी रखा गया था बोर्ड में कि वहाँ मिट्टी भराई करके थोड़ा सा ऊँचा किया जाए और उसमें गौवंश रख करके कान्हा गौशाला इसे शुरू किया जाए। कैचर है जी, पहले से एक था, फिर एक नया खरीद लिया, जब गौशाला का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा।